नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा में टवेरा गाड़ी में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राजधानी जयपुर के फुलेरा थाना क्षेत्र के जोबने रोड स्थित गुमानपुरा गांव में अल सुबह टवेरा गाड़ी में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने की सूचना पर फुलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक की 24 वर्षीय रेनवाल निवासी राजेंद्र कुमावत के रूप में पहचान कर शव को फुलेरा मोर्चरी में भिजवाया गया है। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को बुलाकर घटनास्थल का मौका मुआयना करवाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दूदू एडिशनल SP ज्ञान प्रकाश व सांबरले DYSP राजकंवर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अधिकारियों व परिजनों की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। दूदू एडिशनल SP ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। SHO को सूचना मिली कि राजेंद्र कुमार कुमावत सनो श्री जगदीश कुमावत उम्र 24 साल निवासी रेनवा, उसकी डेड बॉडी उसी की टवेरा में गुमानपुरा में मिली। इस सूचना पर तुरंत यहां से अधिकारी गए और मौके पर ही हमने FSL टीम को बुलाया, डेड बॉडी का मुआयना करवाया और अभी हमने बोर्ड के माध्यम से उसका पोस्टमार्टम हम करवा। सर क्या लगता है, प्रथम दृष्टया जो मामला FSL की टीम के साथ चर्चा के बाद में ये लगता है कि ये हैंगिंग का प्रकरण है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में और अन्य तथ्यों के विश्लेषण के बाद में हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। अभी अनुसंधान चल रहा है। थैंक यू। इस खबर पर 27 देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।